नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम के न्यू स्टाइलिश और ट्रेंडी ट्राउजर डिजाइन बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। ये हमारा ट्राउजर है जिस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस ट्राउजर की चौड़ाई सिंगल करके 14 इंच है। अब हम ये पट्टी लेंगे। ये पट्टी हमने शर्ट के फैब्रिक के लिए है। ये पट्टी 1.5 इंच लंबाई में और इस पट्टी की चौड़ाई ट्राउजर के पांचा के बराबर है। इस तरह की हमने दो पट्टियाँ लेनी है। एक पट्टी हम अभी अटैच करेंगे, बाकी पट्टी हम बाद में अटैच कर लेंगे। इस ट्राउजर की लेंथ हमने 5.5 इंच ज़्यादा ली है। डिज़ाइन बनाने के लिए हम बाद में इसकी एक्चुअल लेंथ 38 इंच रह जाएगी। हम इस पट्टी को ट्राउजर की उल्टी साइड पर रखकर इस तरह अटैच कर लेंगे और एक पैर की सिलाई लगाएंगे। हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी तरफ मोड़ लेंगे और इस पट्टी के किनारे पर सिलाई लगा देंगे। एक साइड पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम रुक मोड़ेंगे और इस तरह लाते हुए यहाँ पर हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। हमने इस तरह पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह ट्राउजर को रखेंगे और स्केल और कलर से मार्क कर लेंगे। अब हम लंबाई की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। हम 1.5 इंच के डिस्टेंस से 5 जगह पर मार्क करेंगे। अब हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह 5 जगह पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच के फासले पर मार्क किया है। अब हम तीसरी साइड पर भी इसी तरह 1.5 इंच के फासले पर मार्क करेंगे। अब हम इन मार्क्स को इस तरह पकड़ेंगे दोनों साइड से और इस तरह स्ट्रेट करके डबल करेंगे और इस तरह हम यहाँ पर एक क्रीज बना लेंगे। आप चाहें तो इस क्रीज को हम प्रेस करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह हम डबल करके यहाँ पर इसको टक्स लगाएंगे। ये जो हमने मार्क्स किए हैं यहाँ पर हम 5 टक्स लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी निशान को भी पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरह पकड़कर इसकी भी क्रीज बिठाएंगे। इस तरह हमने ये क्रीज बिठा ली है। अब हम इस तरह डबल करके इस क्रीज के ऊपर 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी आसानी होगी। ये टक्स लगाने का सबसे आसान तरीका है। इससे आपकी टक्स एक जैसे डिस्टेंस से आएंगी और इस तरह हमारा वक्त भी बच जाएगा। ये टिप बिगनर्स के लिए है। इस तरह मार्क्स लगा के बिगनर्स आसानी से एक जैसी टक्स लगा लेंगे। हमें निशान के ऊपर ही इस तरह सिलाई लगा लेंगे। बाकी क्रीज को भी इस तरह हम रखेंगे और 1/2 इंच के डिस्टेंस से हम इस तरह इन पर टक्स लगा लेंगे। हमने यहाँ पर 5 टक्स लगानी है। इसीलिए हमने 5.5 इंच ट्राउजर लंबाई में ज़्यादा रखा था, क्योंकि ये 1/2 इंच की हमने 5 टक्स लगाई है तो ये 5 इंच इन टक्स में चले जाएंगे और 1/2 इंच जो है वो हमने जो पट्टी लगाई है उसके अंदर चला जाएगा और जो हमारी ट्राउजर की एक्चुअल लेंथ होगी वो बिल्कुल राइट होगी। अब हमने इस तरह ट्राउजर को सीधा कर लिया है और यहाँ पर हमने लंबाई की साइड पर दरमियान में इस तरह सीधा निशान लगाया है, स्ट्रेट लाइन लगा दी है। अब हम 2-2 इंच के फासले पर इस तरह और निशान लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड पर भी 2-2 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर 7 जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम सेंटर में सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। जिस तरह हमने ऊपर की तरफ इन टक्स का रुख किया हुआ है, इसी तरह हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम सिलाई को पहले पक्का करेंगे, एंड पर भी हम इस सिलाई को पक्का करेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो उधड़े नहीं, और इस तरह हम धागे को कट कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने एंड में सिलाई लगाई है, तकरीबन 1 छोड़ दी है बीच में, और उसके बाद हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। एक टक्स को हमने छोड़ के इस तरह उसके अपोजिट हमने सिलाई लगानी है। अब हम दूसरी साइड जो है बिल्कुल हमने सेंटर के दरमियान में बिल्कुल 2 इंच के फासले पर जो की थी उसको हम इस तरह ऊपर करेंगे इन टक्स को, और यहाँ पर इनका भी हमने रुख मोड़ा है। अब इन टक्स को भी हम इस तरह इनका भी रुख मोड़कर इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम एंड पर भी इनका रुख मोड़कर यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। हमने एक जो है वो टक्स का रुख सीधा रखा है और एक टक्स को हमने दूसरी तरफ मोड़ दिया है। अब हमने ट्राउजर को इस तरह रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच के गैप से यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और ये जो पट्टी हमने दूसरी बनाई थी ये हम यहाँ पर बिल्कुल जो सेम पट्टी थी पहले की तरह उसी तरह की हम दूसरी पट्टी लेंगे और इसी तरह रखकर यहाँ पर हम इसको पट्टी को ट्राउजर के साथ अटैच कर लेंगे। अब इस पट्टी के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने गैप दिया है, ये जो हमने एंड में ये टक्स वाली सिलाई लगाई है, इससे हमने 1/2 इंच गैप दिया है। इस तरह रखकर हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देंगे। ये किनारे ये सिलाई हमने बिल्कुल किनारे पर लगानी है। अब हम ट्राउजर को डबल करके ट्राउजर के पांचे की फिटिंग कर लेंगे। ट्राउजर का पांचा हमने 6.5 इंच रखा है। इस तरह हम ट्राउजर की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम चाहें तो इस तरह के ये छोटे साइज के पल इन टक्स पर लगा सकते हैं, मगर हमने इस ट्राउजर पर पल्स नहीं लगाए हैं। इन सिलाइयों के ऊपर आप इस तरह पल्स एक एक करके रखेंगे और यहाँ पर इस तरह एक टक्स के ऊपर इस तरह रखकर हम इस तरह पल्स को लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर इन पल्स को नहीं लगाया है, हमने इसे सादा रहने दिया है। इस तरह ये न्यू स्टाइलिश ट्राउजर डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी इस ट्राउजर डिजाइन की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें खैरियत से होंगी। आज हम टक्स और पल्स से ये खूबसूरत डिजाइन बनाएंगे। वीडियो को स्किप ना किया करें, एंड तक जरूर देखा करें। ये हमारा ट्राउजर है जिस पर हम डिजाइन बनाएंगे। ट्राउजर की चौड़ाई हमने डबल करके 9 इंच ली है। ट्राउजर की लेंथ 5.5 इंच कम लेंगे क्योंकि हम नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो हम ट्राउजर की लेंथ में लगाएंगे। इस फैब्रिक की लेंथ 6.5 इंच है। इस फैब्रिक की चौड़ाई डबल करके 9.5 इंच है। अब इस फैब्रिक को हम सिंगल करेंगे।
इस तरह हम इस फैब्रिक को सिंगल कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिंगल कर लिया है, अब इसको इस कॉर्नर से पकड़ कर हम डबल कर लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक इंच की गैप से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह हम दोनों तरफ एक एक इंच की गैप से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हम सारे फैब्रिक पर एक एक इंच की गैप से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड लेंगे। इस तरह हमने दूसरी साइड ले ली है, इसको कॉर्नर से इस तरह पकड़ कर हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड पर भी पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह हम एक एक इंच की गैप से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस तरह हमारे इस फैब्रिक पर छोटे स्क्वायर बॉक्स बन जाएंगे। हमने इस फैब्रिक पर बॉक्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इन लाइंस के ऊपर बारीक टक्स लगाएंगे। हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और पूरे फैब्रिक पर टक्स लगा लेंगे। हमने ये टक्स बारीक लगानी है, बिल्कुल हम कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। ये जो छोटा फैब्रिक है जो हमने इनके इस फैब्रिक के आगे रखा है, इसलिए कि हमें बार बार थ्रेड कट ना करना पड़े, हम इस तरह बराबर सिलाई करते रहें। अगर हम इस फैब्रिक को डबल करके नहीं रखेंगे तो हमें बार बार कपड़ा निकाल कर थ्रेड को कट करना पड़ेगा और इसलिए हमारा थ्रेड बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर हम बार बार एक ही फैब्रिक पर सिलाई लगानी हो तो हम इस तरह एक छोटा फैब्रिक लेकर इसको डबल करके सिलाई करके आगे रख लें तो आसानी हो जाएगी। हमने इस फैब्रिक पर इस तरह टक्स लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पर टक्स लगाएंगे और इस तरह हमारे बॉक्स बन जाएंगे। अब हम एक पेपर पेस्टिंग लेंगे। इस पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई डबल करके 9 इंच है और इसकी लेंथ 4 इंच है। हम इस तरह इस पेपर पेस्टिंग को लंबाई की तरफ से डबल कर लेंगे और हमने इसको डबल करके यहाँ पर स्टेपलर की मदद से पिन लगा ली है। अब हम पहला मार्क जो करेंगे वो हाफ इंच पर करेंगे। अब इस हाफ इंच के मार्क्स पर हम इस तरह फुट रखेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम पहला मार्क करेंगे एक इंच पर और उसके बाद जो हम मार्क करेंगे वो दो दो इंच के फासले पर करेंगे। अब हम एक इंच का गैप देंगे दूसरी लाइन से और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पहला जो मार्क होगा वो हम कॉर्नर पर देंगे, उसके बाद हम दो दो इंच पर इस तरह हम मार्क करते रहेंगे। अब इन मार्क्स को इस तरह हम मिला देंगे और इस तरह हमारे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब हम इस शेप को कट कर लेंगे। इस तरह हमने इस शेप को कट कर लिया है। अब हम इस शेप को खोल लेंगे और इस तरह दरमियान में इसको कट कर लेंगे। ये हमने इन शेप्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम ट्राउजर के साथ का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस फैब्रिक पर इन शेप्स को पेस्ट कर लेंगे। हमने इस पेपर पेस्टिंग पर पेस्ट कर लिया है। हम एक साइड से इस शेप को सिंगल ही कट करेंगे मगर दूसरी शेप को हम इस तरह डबल कट करेंगे। सिंगल शेप को हम इस तरह एक साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे और दूसरी शेप को हम इस तरह ट्राइंगल्स के बराबर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम फैब्रिक पर लगाएंगे, हमने इस पेपर पेस्टिंग पर नहीं लगानी है। अब हमने जो डबल फैब्रिक वाली शेप पर सिलाई लगाई है उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह हमने इस शेप के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इन कट्स के दरमियान में जो सेंटर में जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर हम छोटे कट लगाएंगे और इस तरह इस फैब्रिक को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। इस शेप को सीधा करने के बाद हम प्रेस कर लेंगे। अब इस शेप में सिर्फ सिलाई की गुंजाइश छोड़ेंगे और बाकी फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हमने टक्स वाला फैब्रिक लिया है जिस पर हमने टक्स लगाई थी और इस तरह हम इसको डबल करके सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। इसी तरह हमने जो पहला सिलाई किया था जो वन फैब्रिक वाला था इसको हम इस तरह डबल करेंगे और इसके सेंटर भी बना लेंगे। और अब इन दोनों सेंटर को हम मिला लेंगे और यहाँ पर इस तरह इसको रखेंगे और इसके सिलाई लगाएंगे। इन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए पिंस लगा ली हैं। अब हम इन कट्स के इर्द गिर्द सिलाई लगाएंगे। हमने इस तरह इसको सिलाई कर लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में से कट कर देंगे। हमने इस तरह फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसके कॉर्नर्स पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हमने जो दूसरी लेयर बनाई थी जो हमने डबल फैब्रिक के साथ बनाई थी अब इसको हम इस तरह लेंगे और इस तरह सीधी साइड पर हम उसके ऊपर रखेंगे और इन तीनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस शेप को हम टक्स के फैब्रिक के सीधी साइड पर रखेंगे और इस तरह रखकर हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ट्राउजर का फैब्रिक लेंगे और इन तीनों को हम इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने तीनों को जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर इसको फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम ट्राउजर के बॉटम पर जो कट्स हैं इनके इर्द गिर्द सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अब हम ट्राउजर के पांचे को डबल करेंगे और इस तरह ट्राउजर के पांचे की फिटिंग कर लेंगे। हमने पांचा तकरीबन ये 7 इंच रखा है खुला और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम चाहें तो इस तरह के ये छोटे साइज़ के पल इन टक्स पर लगा सकते हैं।
इस तरह हमने पल्स के साथ और टक्स के साथ ये स्टाइलिश ट्राउजर डिज़ाइन बना के रेडी कर लिया है। अगर आपको हमारी इस ट्राउजर डिज़ाइन की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि